फ्रेंड्स, आपका दिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्लावर पॉट में मोर पंख की ड्राइंग बना कर दिखाने वाली हूँ। वो आप घर पर जरूर ट्राई कीजिए। मैं ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपका दिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ड्राइंग बताने जा रही हूँ मोर पंख की। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ड्राइंग बनाना। यहाँ पर मेरी ड्राइंग बनाकर हो गई है। अब मैं इसको कलर करने वाली हूँ। मेरे पास मैं ऑयल पेस्टल कलर का यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने कलर ले लिए हैं। मैं कलर मारना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लिया है। हम कलर अच्छे से मारेंगे। फिर यहाँ पर लाल कलर मार रही हूँ। लाल और ब्राउन की शेड बनाऊंगी मैं।
न्यू के ओपन में ओपन हो गो ये हो गया है देखो ब्लू के ऊपर ग्रीन कलर का इफेक्ट आ रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जामुनी कलर मारूंगी लाइट लाइटली। अब हम इसके ऊपर पहले जामुनी कलर करेंगे लाइन बनाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लिया है, ब्लू कलर इसके ऊपर जामुन के ऊपर मारेंगे। मैं इसको कलर मार कर दूँ इससे हम इसके ऊपर हम ग्रीन कलर करेंगे। इसी तरह हम दूसरी पत्ती को भी ऐसे कलर करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों मोर पंख को कलर कर दिया है। अब मैं बांस को कलर करूंगी, बांस को मैं जामुनी कलर करूंगी। इस तरह मैं कलर मार रही हूँ पूरे ड्राइंग का। हम ऐसे ही कलर मारेंगे। यहाँ पर मैंने मोर ड्राइंग कर दी हूँ, पॉट को भी कलर कर दी हूँ। अब मैं इसको वाइट शेड करूँगी क्योंकि ये पॉट ऐसे चमक कर दिखना चाहिए कुछ इस तरह। बीच में मैंने ब्लू कलर मारी हो क्योंकि थोड़ा शेड आने के लिए शेड आ सके इसलिए। यहाँ पर मेरी ड्राइंग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर मैं नीचे एक बेस बनाने वाली हूँ तो हम मैंने ग्रे कलर ली हूँ। हम ग्रे कलर थोड़ा सा ऐसे लाइट लाइट मारेंगे। इस तरह मेरी ड्राइंग पूरी हो गई है।
अब मैंने इसको कलर भी मार लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरी ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, स्कूल के एग्ज़ामों में, स्कूल ड्राइंग्स और कंपटीशन में, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ामों में प्लीज़ यू प्लीज़ ट्राई। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।